हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार चिल्ला रेसिपी। और ये चिल्ले बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं, और जो हमारे घर में सामान होता है उसी से हम ये चिल्ले बनाकर खा सकते हैं। बाहर से हमें कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब कुछ अलग से। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार चिल्ला रेसिपी। चिल्ला बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है 1 कप। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो मेरा गेहूँ का आटा है, इसी में मैंने चने का आटा भी मिक्स करके, मतलब साथ में ही चना और गेहूँ पिसवा के रखा है। अगर आपके पास गेहूँ चना मिक्स नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दही, 1/2 कप दही डाला है मैंने। आप दही की जगह छाछ भी डाल सकते हैं, पर दही या छाछ दोनों ही लें तो खट्टा लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और पानी डाल दिया है, और अब हमने इसमें डाल दिए लगभग 1/2 टेबलस्पून ये अजवाइन, और अजवाइन डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये सेट हो गया अच्छे से। इसमें और पानी डाल के हमें एक पतला बैटर बनाना है, मतलब जैसा कि हम चिल्ला बनाते हैं बेसन वगैरह का, वैसा इसका पतला बैटर बनाना है हमें। ये देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं, हमें मिक्स कर लेना है पानी ऐड करते हुए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये डाला है फ्रेंड्स लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 3-4 कलियाँ लहसुन और छोटा टुकड़ा अदरक को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, और उसको अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा पानी डालते हुए और पतला बैटर बनाना है इसका। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है चिल्ला बनाने के लिए। और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। और गैस पे हमने पैन चढ़ा लिया है, और फ्रेंड्स पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, और घी को हमें अच्छे से फैला लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पेपर नैपकिन लिया है, और पेपर नैपकिन से मैं ये घी को पूरे पैन पे फैला लूँगी इस तरह से। बिल्कुल घी रहना नहीं चाहिए इस पे, मतलब बस पैन हमारा चिकना होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 चमचा भर के बैटर का पैन के ऊपर डाल दिया है, ये देखिए, और इसको धीरे धीरे हमें फैलाना है। फ्रेंड्स, अगर पैन पे ज़्यादा घी रहेगा तो साथ साथ वो चमचे के ही चिपक के वापस आएगा, अच्छे से नहीं फैलेगा। इसीलिए हमें घी को या ऑयल को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे जैसे चिल्ला हमारा सिकने लगा है वैसे वैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैंने ऊपर से डाल दिया है घी, और आप घी या ऑयल जो भी पसंद करते हैं उसी में ये चिल्ले बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और ये देखिए, मतलब नीचे से जो चिल्ला हमारा है वो सिक गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं दूसरे साइड से, और बहुत ही ईजिली पलट गया है, मतलब बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपका है। और ये देखिए, अब हमें इसको ऐसे ही उलटते पलटते हुए सेक लेना है, जैसे कि हम पराठे वगैरह सेकते हैं वैसे ही। बिल्कुल भी नहीं टूटता है ये, बहुत ही अच्छा चिल्ला बनकर हमारा तैयार होता है। और ये देखिए, हल्दी डालने से कितना अच्छा कलर आया चिल्ले पे, और चिल्ला ऑलमोस्ट सिक गया है, मतलब पूरा सिक ही गया है। हमने चिल्ले को निकाल लिया प्लेट में, और इसी तरह से हम दूसरा चिल्ला बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें पैन पे, क्योंकि हमने एक चिल्ला बनाकर ऑलरेडी तैयार कर लिया था, तो उससे ही हमारा ये जो पैन है वो चिकना है। इसीलिए मतलब बैटर डालने से पहले हमें घी नहीं लगाना है, हमें बैटर डालने के बाद जब ये चिल्ला हमारा सिकने लगे तभी हमें घी डालना है, ताकि कॉर्नर्स इसके अच्छे से छूट जाएँ। इसीलिए हमें घी लगा लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चिल्ला हमारा सिक गया था, तो हमने इसको पलट लिया है, और इसको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से चिल्ला हमारा सिक कर तैयार हुआ है, और इसको भी हम निकाल लेते प्लेट में। ये देखिए, 2 चिल्ले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं देखने में भी। और इसी तरह से हमने ये और चिल्ले भी सेक कर तैयार कर लेने हैं।
और यहाँ पे मैंने सारे चिले सेक कर तैयार कर लिए। बहुत ही अच्छे बने, ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी हैं फ्रेंड्स, और बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आते हैं ऐसी चीज़ें कि फ्रेंड्स देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें खाना भी उनके हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही खाने में चूजी होते हैं, वो हर चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, खासकर रोटी सब्जी को तो अवॉइड ही करते हैं बच्चे लोग। तो फिर ये बहुत सारी ट्रिक लगाकर हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना बनाना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आज बैंगन का भरता बनाया, तो मैंने बैंगन के भरते से ही ये चिले सर्व किए हैं, और बैंगन का भरता भी मेरा बहुत ही टेस्टी बना, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने चिले के ऊपर लगाया बैंगन का भरता, और इस तरह से मैंने रोल कर दिया यहाँ पर इसी तरह से हम जैम, मतलब जैम लगा सकते हैं, या फिर जैम नहीं तो हम सॉस टोमेटो केचप लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वही लगाकर खा सकते हैं, या फिर दही से भी खा सकते हैं, अचार से भी खा सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हो वैसे ही चिले खा सकते हो। बच्चों को हम इन चिले को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, और इसमें अजवाइन लहसुन अदरक पड़ा होता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, ये चिले हम केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर अगर हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल लेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिले हमारे कैसे बने। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। इसलिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।